गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, गांधी जी डिसाइडेड टू टेक लेसन्स इन वेरियस फील्ड्स टू मेक हिमसेल्फ अ परफेक्ट इंग्लिश जेंटलमैन, वॉट वर दीज फील्ड्स। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि गांधी जी ने जब वो इंग्लैंड गए थे बहुत सारी फील्ड्स में लेसन लेने के लिए सोचा था ताकि वो एक परफेक्ट इंग्लिश जेंटलमैन बन सके, तो वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें गांधी जी ने लेसन्स लिए थे। तो आप लिखोगे द फील्ड्स इन विच गांधी जी डिसाइडेड टू टेक लेसन्स इन आर, नंबर वन डांसिंग, नंबर टू लर्निंग फ्रेंच, नंबर थ्री प्लेइंग वायलिन एंड नंबर फोर इलोक्यूशन लेसन्स। इलोक्यूशन लेसन्स का मतलब है ऐसे लेसन्स जिससे आप जो भी लैंग्वेज सीख रहे हो उसे परफेक्टली बोल पाओ। जैसे सपोज आप इंग्लिश सीखने जा रहे हो तो आप इलोक्यूशन लेसन्स लोगे, मतलब प्रोनंसिएशन के लेसन्स लोगे जिससे आप वर्ड को प्रोनाउंस कर पाओ ढंग से, तो इलोक्यूशन लेसन्स हो गए वो। बट ही गेव अप ऑन लर्निंग दीज लेसन्स सून, मतलब जल्दी ही उन्होंने इन लेसन्स को जो है उन्होंने पहले सोचा और हर क्लास में उन्होंने एडमिशन भी लिया, लेकिन जल्दी ही उन्होंने इन क्लासेस को अपनी बंद कर दिया। तो लास्ट में लिख देना बट ही गेव अप ऑन लर्निंग दीज लेसन्स सून। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू देखो, हाउ डिड गांधी जी फेथ इन वेजिटेरियनिज्म ग्रो, मतलब गांधी जी जो है वेजिटेरियनिज्म फॉलो कर रहे थे और वेजिटेरियन थे, लेकिन उनका जो फेथ था इस चीज़ पर कि मुझे वेजिटेरियन ही रहना है, वो कैसे बढ़ा। तो गांधी जी फेथ इन वेजिटेरियनिज्म ग्रो बिकॉज ऑफ सम बुक्स दैट ही रेड। कैसे बढ़ा, क्योंकि वो कुछ किताबें पढ़ रहे थे उस टाइम पर जो वेजिटेरियन कल्चर को प्रमोट करती थी और कहती थी कि दैट यू शुड बी वेजिटेरियन, तो वहाँ से उनका जो फेथ है वो बढ़ा। उसके बाद लिखोगे आफ्टर रीडिंग सॉल्स बुक ही रीड मोर बुक्स ऑन वेजिटेरियनिज्म ही रेड सॉरी। तो जब उन्होंने सॉल्स बुक पढ़ी उसके बाद उन्होंने और किताबें पढ़ी वेजिटेरियनिज्म पे और उन्होंने क्या देखा, ही फाउंड दैट ऑल फिलोसोफर्स एंड प्रॉफिट्स, मतलब जितने भी फिलोसोफर्स थे प्रॉफिट्स थे उन्होंने पुराने टाइम से लेके आज तक प्रेजेंट तक वो वेजिटेरियन ही हैं, उन्होंने कभी मीट नहीं खाया, तो इसलिए गांधी जी का फेथ वेजिटेरियनिज्म में बढ़ गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, क्वेश्चन नंबर थ्री अगर आपको शॉर्ट में पूछा जाए व्हाट डज द टाइटल ऑफ एसे सजेस्ट, मतलब अगर आपको टू मार्क्स या थ्री मार्क्स में क्वेश्चन आए तो आप सिर्फ इतना लिखोगे The title of essay suggests that one should not try to follow any culture blindly. Title क्या कहता है, title of the essay, यहाँ तो लिख देना title of essay playing an English gentleman suggests कि किसी को भी किसी भी country का culture blindly follow नहीं करना चाहिए। One should not forget his or her culture, मतलब आप जहाँ पर भी पैदा हुए हो आपको आपका culture follow करना चाहिए and अपना culture या अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। गांधी जी ट्राइड टू बिहेव लाइक एन इंग्लिश जेंटलमैन बट सून ही टू रियलाइज्ड दैट ही शुड नॉट फॉलो अदर कल्चर ब्लाइंडली। तो गांधी जी ने ट्राई किया कि वो इंग्लिश जेंटलमैन की तरह बिहेव करे, पर जल्दी ही उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उनको किसी और कंट्री का कल्चर फॉलो नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने भी इस पर गिव अप कर दिया। अब ये तो हो गया, अगर शॉर्ट में आए तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में भी आ सकता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आगे देख लो, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फोर से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होते हैं, तीन ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे, अब आपके लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, कह रहे हैं डिस्क्राइब द रिलेशनशिप दैट गांधी जी शेयर्ड विद हिज फ्रेंड। तो गांधी जी और उनके फ्रेंड का कैसा रिलेशनशिप था, तो देखो गांधी जी एंड हिज फ्रेंड शेयर्ड एंड ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। पहली लाइन में लिखो कि गांधी जी और उनके फ्रेंड का ब्यूटिफुल रिलेशनशिप था। He was worried that if Gandhi ji did not eat meat, his health would remain weak. तो उनको क्या चिंता थी कि अगर गांधी जी इंग्लैंड में रहकर भी मीट नहीं खाएंगे तो वो कमज़ोर हो जाएंगे। When he knew that Gandhi ji was reading books on vegetarianism, he was worried about Gandhi ji that he will forget his work. तो कह रहे हैं कि जब उनके दोस्त ने ये देखा कि गांधी जी पूरा दिन बुक्स पढ़ते रहते थे वेजिटेरियनिज्म के ऊपर, तो उनके दोस्त को चिंता हो गई कि कहीं वो अपने काम को ना भूल जाए। ही ऑल्सो ट्राइड टू मेक गांधी जी टेस्ट मीट बट ही फेल्ड। उन्होंने ट्राई किया गांधी जी को मीट टेस्ट कराने के लिए बट वो नहीं कर पाए वो चीज़, एंड इन बातों की वजह से उनके रिलेशनशिप पर कोई असर नहीं पड़ा एंड दिस डिड नॉट अफेक्ट देयर रिलेशनशिप।
ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में पहले लिखो, गांधी जी एंड हिज फ्रेंड शेयर्ड अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, देन ही वॉज वरिड कि अगर गांधी जी ने मीट नहीं खाया तो उनकी हेल्थ वीक हो जाएगी। एंड फिर आप लिखोगे कि जब वो बुक्स पढ़ रहे थे वेजिटेरियनिज्म पे, उनका फेद और ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए गांधी जी के फ्रेंड वरिड थे। एंड उन्होंने कोशिश करी गांधी जी को मीट खिलाने की, बट ही फेल्ड एंड दिस डिड नॉट अफेक्ट देयर रिलेशनशिप। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं, डिस्क्राइब सम ऑफ द हैबिट्स एंड एटीट्यूड दैट गांधी जी हैड कल्टिवेटेड विच वर एट वेरियंस विद वॉट ही एनकाउंटर्ड इन ब्रिटेन। मतलब कौन सी हैबिट्स और एटीट्यूड जो है गांधी जी ने इंग्लैंड में जाकर कल्टिवेट कर लिया था, ब्रिटेन या इंग्लैंड एक ही बात है, वहाँ जाकर कल्टिवेट कर लिया था। तो पहले सेम क्वेश्चन से लिखो, यहाँ से शुरू करो, सम ऑफ द हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स दैट गांधी जी हैड कल्टिवेटेड विच वर एट वेरियंस विद वॉट ही एनकाउंटर्ड इन ब्रिटेन आर। नंबर फर्स्ट हैबिट उन्होंने क्या एक्वायर करी थी, गांधी जी डिड नॉट लाइक ईटिंग मीट एंड वॉज अ वेजिटेरियन। तो गांधी जी मीट नहीं खाते थे और वो वेजिटेरियन थे। दूसरा, उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी ऑन हेल्थ एंड हाइजीन, ही कंटिन्यूड रीडिंग राइटिंग्स ऑन हेल्थ एंड हाइजीन। तो ये हो गए आपके 2 पॉइंट्स। अगला पॉइंट देखो, अगले पॉइंट में कह रहे हैं, डाइटिक एक्सपेरिमेंट्स केम टू टेक एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज लाइफ। मतलब जो डाइट को फॉलो करना है वो जो चीज़ है गांधी जी की लाइफ में, उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। देन फोर्थ में लिखो, लेटर ही शिफ्टेड टूवर्ड्स रिलीजियन। तो ये 4 पॉइंट आपको अपने आंसर में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं, डिस्क्राइब गांधी जीज अटेम्प्ट टू इनकलकेट द क्वालिटीज ऑफ इंग्लिश जेंटलमैन, हाउ डिड दीज अटेम्प्ट्स टर्न आउट। तो कह रहे हैं गांधी जी के अटेम्प्ट बताओ जो उन्होंने किए ताकि वो एक इंग्लिश जेंटलमैन बन पाए। अब वो वहाँ इंग्लैंड रह रहे थे, तो वहाँ रहकर जो है उन्होंने क्या क्या कोशिश करी कि वो इंग्लैंड के कल्चर में ढल जाए और दूसरे लोगों के सामने लगे कि हाँ वो भी एक इंग्लिश जेंटलमैन है। या फिर ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट एफर्ट्स डिड गांधी जी मेक टू बिकम एन इंग्लिश जेंटलमैन। मतलब क्या क्या कोशिशें, क्या क्या प्रयास गांधी जी ने किए थे एक इंग्लिश जेंटलमैन बनने के लिए। तो आंसर लिखेंगे, गांधी जी मेड वेरियस अटेम्प्ट्स टू बिकम एन इंग्लिश जेंटलमैन। मतलब गांधी जी ने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए इंग्लिश जेंटलमैन बनने के लिए, और वो क्या थे, ही ट्राइड टू एडजस्ट इन इंग्लिश सोसाइटी बाय मेकिंग चेंज इन हिज क्लोथ्स। तो उन्होंने इंग्लिश सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए अपने क्लोथ्स में चेंज किया। सबसे पहले उन्होंने एक हैट खरीदी, ही ऑल्सो परचेज अ हैट। देन उससे अगली लाइन में लिखो, ही आस्क्ड हिज ब्रदर टू सेंड हिम अ डबल वॉच चेन ऑफ गोल्ड। तो उन्होंने अपने भाई को कहा एक डबल वॉच भेजने के लिए जो गोल्ड की थी। ही ऑल्सो लर्न हाउ टू टाई अ टाई, उन्होंने टाई बांधनी सीखी। एंड 10 मिनट रोज मिरर के सामने वेस्ट करते थे अरेंजिंग हिज टाई, मतलब अपनी टाई को ठीक करते थे, अपने हेयर को पार्ट करते थे करेक्ट फैशन में, मतलब अपना हेयर स्टाइल बनाते थे। एंड ही ऑल्सो टुक लेसन्स ऑन डांसिंग, लर्निंग फ्रेंच, प्लेइंग वायलिन एंड लर्निंग इलोक्यूशन लेसन्स। तो वही जो आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है वही रिपीट करो यहाँ पर, कि उन्होंने लेसन्स भी लिए डांसिंग पे, लर्निंग फ्रेंच, वॉयलिन क्लासेस ली, लोक्यूशन लेसन्स लिए, बट उन्होंने लेसन्स जल्दी ही छोड़ दिए। ये क्वेश्चन मार्क कर लो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में अगर आपको याद ना रहे तो फर्स्ट क्वेश्चन भी लिख सकते हो, लेकिन उससे पहले इतना लिखोगे कि गांधी जी ने अटेम्प्ट्स किए, पहले उन्होंने क्लोथ्स खरीदे, फिर एक हैट खरीदी, और फिर टाई बांधनी सीखी, और 10 मिनट रोज मिरर के सामने जो है वेस्ट करते थे। इतना लिखने के बाद लिख लो आपका सेम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, कि उन्होंने डांसिंग लेसन्स लिए, फ्रेंच लेसन्स लिए, वॉयलिन सीखा और इलोक्यूशन लेसन्स लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 6। अब आंसर नंबर 6 याद हो जाएगा तो लास्ट क्वेश्चन लिख पाओगे टाइटल का, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो। तो आंसर नंबर 1, 6 और लास्ट क्वेश्चन जो भी हम डिस्कस करेंगे वो एक जैसे हैं बिल्कुल, तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि इतने सारे क्वेश्चंस हो गए इस चैप्टर के। आगे क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन कह रहे हैं, व्हाट इज़ द फेबल ऑफ रिक्लूज, व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस फॉर गांधी जी इज़ लाइफ। तो जो फेबल ऑफ रिक्लूज थी, फेबल का मतलब होता है कोई स्टोरी, ठीक है, तो जो फेबल थी उसमें क्या कहा गया था, इन द फेबल द रिक्लूज केप्ट अ कैट। तो फेबल में क्या हुआ था कि जो वो पर्सन था उसने कैट रख रखी थी ताकि वो चूहों को दूर रख सके। फिर उसके बाद उसके पास एक कैट थी तो उसने काऊ को रखा ताकि वो कैट को दूध पिला सके, एंड अ मैन टू कीप द काऊ एंड सो ऑन। फिर एक आदमी को रखा ताकि वो काऊ का ध्यान रख सके। तो गांधी जी को क्या लगा कि उनके जो एम्बिशंस है लाइफ के वो भी इसी फैमिली की तरह ही है। फर्स्ट ही थॉट कि वो वायलिन लेसन्स लेंगे, फिर उन्होंने सोचा कि वो इलोक्यूशन लेसन्स लेंगे, बट उन्होंने जल्दी ही इन लेसन्स को गिव अप कर दिया और
छोड़ दिया। तो इतना ही याद रखना है, बाकी देखो सेम है जो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि उन्होंने जो भी लेसन्स लिए और फिर उसके बाद उन्होंने छोड़ दिए वो लेसन्स लेने। तो देखो एक क्वेश्चन लर्न करके आप कितने सारे क्वेश्चन लिख सकते हो। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको टाइटल का क्वेश्चन दिया जाता है लॉन्ग क्वेश्चंस में, तो आप देखो आपको सिर्फ एक लाइन लर्न करनी है, टाइटल ऑफ द एसे गिव अस इनसाइट इनटू इंग्लिश सोसाइटी। मतलब हमें इंग्लिश सोसाइटी इंग्लैंड के बारे में बहुत कुछ बताता है, सिर्फ इतना याद कर लो एक लाइन। उसके बाद सेम क्वेश्चन नंबर 6 एज इट इज़ उठाकर यहाँ लिखा है, और उसके बाद एक लाइन लर्न करनी है लास्ट में, हेंस द टाइटल इज अप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 6 है पूरा, क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। देखो यहाँ से गांधी जी मेड वेरियस अटेम्प्ट्स टू बिकम इंग्लिश जेंटलमैन। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी मेड वेरियस अटेम्प्ट्स टू बिकम इंग्लिश जेंटलमैन, ही ट्राई टू एडजस्ट इन इंग्लिश सोसाइटी बाय मेकिंग चेंज इन हिज क्लोथ्स। सेम क्वेश्चन है, देखो ही गेव अप लर्निंग दीज लेसन सून। और इस क्वेश्चन को भी चेक कर लेना, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, बस दो लाइनें लर्न करोगे स्टार्टिंग की और एंडिंग की, जबकि टाइटल जो है आपको इनसाइट देता है इंग्लिश सोसाइटी के बारे में और टाइटल अप्रोप्रिएट है। अगर किसी बच्चे को फर्स्ट लाइन भी लर्न नहीं हो सकती तो सिर्फ इस लास्ट लाइन को स्टार्टिंग में लिख दो, द टाइट यहाँ हैंस छोड़ देना, फिर लिखना द टाइटल इज़ अप्रोप्रिएट, और सेम 6th क्वेश्चन लिख देना। बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल ठीक आंसर है, टाइटल इज़ अप्रोप्रिएट को स्टार्टिंग में लिख दो और आंसर नंबर 6 लिख देना। तो ये हो गए आपके 8 क्वेश्चंस प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन के। आई होप लेसन क्लियर हो गया होगा। अगर अगर स्टिल डाउट हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और जिन चैप्टर्स की समरी अभी हमने डिस्कस नहीं की है एक एक करके वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो तब तक आप इन क्वेश्चंस को करो, और उसके बाद कल जो है हम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और समरी करेंगे। सो थैंक यू।